राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा खोलिएको जिल्लापाल बालासुब्रमण्यम टीले जानकारी गराएका छन्। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वार ओभर दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्काउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. 8 टन भन्दा बढी ओजन प्रतिबन्धित रहेको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनको मार्फत उनले कालेबुङको विविध विषय उठान गरेका छन्। राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित पूजाको आयोजकहरूलाई पनि अनलाइन मार्फत आवेदन गर्नुपर्ने आह्वान गर्दै सरकारले विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको बताएका छन्। हालै कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस प्रभावित भएको अनि चाँडै यो सुचारू हुने प्रयास गरिरहेको उनले थप बताएका छन्। सो NH10 कल से शुरू हुआ, अब वापस शुरू हुआ, इसलिए NH10 का कुछ अपडेट देने के लिए हम लोग आज मीटिंग बुलाया। NH10 में रिसेंटली बहुत सारा रिक्वेस्ट था कि ये टूरिस्ट सीजन है, वैसे भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सीजन भी सामने आ रहा है, टूरिस्ट सीजन भी है पहाड़ का, तो इसलिए जितना जल्दी वो खोल सके PWD ने कोशिश किया। आगे 4-5 दिन का टाइम लगेगा करके बोल रहे थे और दिन रात काम करके 2-3 दिन में उन लोगों ने खोल पाया। तो कल थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया बिकॉज लोकल लेवल, बिकॉज हम लोगों का एक यूनिफाइड ऑर्डर था। सो हम आगे DMN से पूरा NH10 और इंटरनल रोड्स का ऑर्डर हम लोग करते थे, सो उसी के कारण में उसी में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्लास था, उसको लेके लोकल इंजीनियर्स ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इस द कम्युनिकेशन गैप इंजीनियर्स और फील्ड लेवल ऑफिशियल्स के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होके ऑफिशियल कन्फर्मेशन आने के आगे थोड़ा सा ये हुआ, इसलिए थोड़ा सा असुविधा हुआ पब्लिक को। सो सॉरी फॉर दैट, एंड इसलिए टू अवॉइड दैट कन्फ्यूजन फर्दर इन फ्यूचर, सो हम लोग अभी मिलकर मीटिंग करके एक सिद्धांत ले आए। वो इसके बाद PWD ने NH10 का जो भी क्लोजर और ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्डर PWD से ही डायरेक्टली होगा, बिकॉज और जो इंटरनल रोड्स का है वो DMN से होगा। सो दोनों मिलके आप देख सकते हैं, सब समय हम लोग एक साथ मिलके दे देंगे। सपोज कुछ अपडेट नहीं है तो DM का इंटरनल रोड्स का कुछ ऑर्डर्स में कुछ अपडेट नहीं है तो पुराना ऑर्डर चलते रहेगा, कुछ नया ऑर्डर जरूरत हो तो हम लोग देंगे। NH10 का मेजर हम लोग डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं NH10 में, सो इसलिए NH10 का रेगुलर अपडेट आते रहेगा। सपोज NH10 अभी खुला है फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स विदाउट एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो, बिकॉज सिंस जो काम हो चुका है उसी में PWD सेटिस्फाइड है, टेक्निकली सेटिस्फाइड है कि वो स्ट्रांग रहेगा। और ओनली रिक्वेस्ट इज पब्लिक और सभी जो यात्रियों यूज़ कर रहा है उसका, और पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल्स का, जो एसोसिएशन का भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ओवरलोड मत करिए, बिकॉज ये रास्ता हम लोगों का अभी बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक इसका ओवरऑल काम होगा, जो नीचे से प्रोटेक्शन वर्क, एरोशन प्रोटेक्शन वर्क सब कुछ होगा, तब तक हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग रोड को बचा के रखना पड़ेगा, उसी के लिए सभी का सपोर्ट चाहिए, पर्टिकुलरली ओवरलोडिंग के दिख में, बिकॉज हम लोगों को बीच बीच में कंप्लेन आ रहा था। हम लोग भी दोनों एंड से, इवन टुवर्ड्स कॉरोनेशन ब्रिज और उसी तरह से माल बाजार एंड से भी बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग मॉनिटर कर रहे थे एंट्री और एग्जिट में, जो ओवरलोडिंग ना हो। बट उसके अलावा भी कुछ कुछ कंप्लेंट्स आ रहा था, कुछ वायलेशंस थे, सो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिक सेफ्टी के लिए और लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ द रोड टिल द मेजर रिपेयर वर्क्स होने दीजिए, तब तक एक ओवरलोडिंग प्लीज़ वेरी स्ट्रिक्टली टू बी प्रोहिबिटेड। ओवरलोडिंग इज एनीवे, इट इज़ नॉट अलाउड ऑन एनी टाइम, बट नाउ इट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड टू बी फॉलोड, इट अ रिक्वेस्ट है सभी के लिए। और इसके अलावा जो हम लोग का इंटरनल रास्ता का जो रिस्ट्रिक्शन था वो अभी भी है, टाउन के अंदर हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है अभी भी, उन लोगों का टाउन का अंदर का रास्ता हम लोग अभी ठीक नहीं हो रहा है, तब उसका काम चल रहा है, अभी भी मानसून खत्म होने के बाद इमिडिएटली काम शुरू होगा। तो इसके अलावा जो रशी वाला रास्ता, जो अल्टरनेट हैवी व्हीकल्स के लिए जो रास्ता है, उसी में भी 8 टन का जो रिस्ट्रिक्शन ही चल रहा है, 6 व्हीलर्स मैक्सिमम और मैक्सिमम लैडन वेट 8 टन, और NH में जो रिस्ट्रिक्शन है वही चल रहा है, सो 8 टन का मैक्सिमम चल रहा है। सो इसी को लेके कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग दो अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं। PWD विल बी इश्यूइंग ऑर्डर फॉर NH10 एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल इश्यू ऑर्डर्स फॉर NH एंड स्टेट हाईवेज विच इज पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। सर,
शॉक टू अस ऑल्सो बिकॉज सेल्फी द्वारा हम लोगों का सर्वे में भी नहीं निकला बिकॉज उधर एक लोकलाइज्ड एरोशन होके अभी सेल्फी द्वारा निकल गया. सो ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है विच इज टू बी कंटिन्यूसली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और भी करना पड़ेगा हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुआ. इसी के अलावा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, NHPC का भी रिक्वेस्ट किया और स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कि एक डिटेल स्टडी हो बिकॉज मानसून के बाद थोड़ा ये पानी थोड़ा कम होने के बाद एक डिटेल स्टडी होगा उसी के बेसिस में एग्जिस्टिंग प्रपोजल का भी डिटेल एनालिसिस होके जो करना है आगे पीछे करना है वो तो होगा. सो ये डिटेल इसका इंपॉर्टेंस सभी को पता है. मेन प्रॉब्लम हम लोगों का इलेक्शन का टाइम में कुछ नहीं कर पाया तो उसी टाइम में मेंटेनेंस काम ही किया. प्रपोजल तो बनने का भी कुछ टाइम हुआ बिकॉज मानसून शुरू भी हुआ जून में. सो इसीलिए बहुत सारा एक अननोन रीजंस किसी स्पेसिफिक एजेंसी को बोल के कुछ नहीं है बट जितना कोशिश करना PWD दिन रात तो काम कर रहा है. आप लोग देख रहे हैं डैम भी सर कुछ कारण बन सकता है इसमें हो सकता है चुंगतांग डैम हो सकता है बिकॉज ब्रोकन अदरवाइज आई एम नॉट एक्सपर्ट एग्जिस्टिंग नहीं एग्जिस्टिंग डैम लेके बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज डैम्स तो सब जगह में है. सो डैम को लेके टेक्निकली बोलना मेरा इसमें नहीं है बट चुंगतांग डैम ब्रोक हो गया दैट इज अ रीजन बिकॉज चुंगतांग डैम ब्रेक होने के कारण में पानी रोकने का भी अभी ये नहीं है. पानी कंटिन्यूअसली फ्लो में आ रहा है. सो जितना ऊपर से फ्लो में आ रहा है इट इज कंटिन्यूअसली इट इज हिटिंग अवर लो लाइंग एरियाज. सो दैट इज वन मेजर रीजन. वो क्लियर कट हम लोगों का कॉमन सेंस से पता चलेगा. स्पेसिफिक रिक्वेस्ट वो भी वेट करके देख के विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ट्रैफिक वन टाइम मोमेंट इमरजेंसी में वो भी ऐसा नहीं है कि लाइक ओके इमरजेंसी. इवन हम लोग इसका भी बहुत सारा रेगुलर सप्लाईज भी ज़्यादा रेगुलर जो जाता है उसी को तो अलाउ नहीं कर रहा है. इवन FCA का व कुछ ऑयल का वो भी जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 8 टन का जो जितना ले सकते हैं लेके जाइए वो तो इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड. सो अभी तो 8 टन का रेस्ट्रिक्शन भी है. बड़ा गाड़ी लेके जाने में सभी का दिक्कत हो जाएगा पूरा बंद हो जाएगा फिर वो सप्लाई भी बंद हो जाएगा. इसलिए इट्स मस्ट बिकॉज ये तो हम लोगों का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं ये तो टेक्निकली जो फीजिबल है वही हो रहा है. एजेंसी ये तो उन लोगों ने किया आप ऑर्डर देके तो उसमें मेंशन किया है सेक्शन 31 ऑफ NH मेंटेनेंस एक्ट में. एक्ट्स की वजह से उन लोगों का ये है कि वो तभी भी जो इसी टाइप का कुछ सेफ्टी का इश्यू हो रहा है वा कुछ सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज उन लोग देख रहे हैं लेकिन रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दे सकता है. इसके अलावा भी हम लोगों का मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रोविजन है कोई भी एजेंसी जो मेंटेन कर रहा रास्ता उसी को उन लोग ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्डर विद द कन्फर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अथॉरिटी उनका लेके वो कर सकता है. सो लीगली दे आर एम्पावर टू इश्यू द ऑर्डर बट दे विल ऑलवेज SOP है कि वो लोग हम लोगों के साथ डिस्कस करके ही करेंगे. हम लोग नजर रखेंगे ऐसा नहीं है कि वी आर एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर अवे. हम लोग साथ में ही है काम कर रहे हैं बट PWD इश्यू कर रहा है फॉर क्लैरिटी के लिए. अभी क्लैरिटी के लिए सो तब PWD का ऑर्डर आएगा तब हम लोग को पता चलेगा NH खुला है कि नहीं बिकॉज ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों का देना ही पड़ेगा. बस हम लोगों का ऑर्डर में आप देखा तो लास्ट में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्लास है बिकॉज पुलिस लोकली कुछ रास्ता का खराब हो रहा है पुलिस में क्लोज इट फॉर नीडेड समय. सो उसी को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था कल जो कन्फ्यूजन हुआ था उसी की वजह से हुआ. सो वो भी चाहिए बट ये भी चाहिए इसलिए हम लोग अलग अलग किया. ये भी लीगली करेक्ट है बट हम लोगों का नजर रहेगा पुलिस का भी रहेगा हम लोगों का जो रेगुलर चेकिंग हो रहा है वो तो होगा. RTO भी इन्वॉल्व होगा पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पर्टिकुलरली डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी हम लोग रख रहे हैं उन लोगों का भी नजरदारी है और पंचायत से भी हम लोग रेगुलर अपडेट ले रहे हैं. सो जितना सेफ्टी का करना है सेफ्टी के लिए हम लोग फॉलोअप करना है वो तो पूरा करके रखा है. इन्फॉर्मेशन आप लोग भी दे रहे हैं पत्रकार से भी रेडीली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. सो वी आर अलर्ट एंड दिस सेफ्टी इज अ पैरामाउंट कंसर्न बट स्टिल लाइवलीहुड और टूरिज्म का भी देखना पड़ेगा इसलिए केयरफुली हम लोग इतना ये करके थोड़ा अरेंजमेंट करके किया हुआ है टू टेक इट बट ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स ऐसे बीच में बिकॉज एक मास तो कंटिन्यूसली तो था. सो 2 मास तो मिनिमम बंद था अल्टीमेटली फ्रॉम जून टू जून मास शुरू करके. सो टिल नाउ 2-2.5 मंथ्स तो आराम से बंद था. वही बोल रहा था ना बिकॉज हम लोग नीचे रबीजोरा से लेके एक वल्नरेबल स्ट्रेच था आगे था लिक्विर. सो पूरा डिटेल किया हम लोग उसी तरह से उसके बाद तो सेतीजोरा सेल्फीदारा बहुत सारा जगह में एरोशंस का हुआ. सो एरोशंस का एक डिटेल स्टडी हो चुका है डिपार्टमेंट से हो चुका सॉरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोगों का डिपार्टमेंट के सहयोगिता में हो चुका है. उसके अलावा लॉन्ग टर्म में क्या क्या करना ऑलरेडी प्रोजेक्ट रेडी करके MORTH मिनिस्ट्री के पास है. मिनिस्ट्री अप्रूव करेगा लॉन्ग टर्म काम हो जाएगा. तब तक PWD के पास रहेगा भाई NHADCL के पास रहेगा जो भी एजेंसी होगा वो करेगा. बट लॉन्ग टर्म के लिए जितना टोटल प्लानिंग करना है करके
पीडब्ल्यूडी ने ऑलरेडी एमओआरटीएच को दे चुका है, मिनिस्ट्री के पास है, मिनिस्ट्री अप्रूव करेगा तो काम हो जाएगा। वो तो तब तक मानसून खत्म नहीं होगा कोई एजेंसी काम नहीं शुरू कर पाएंगे ना। सो बट वी आर ऑल्सो फॉलोइंग स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग विद एमओआरटीएच। वो तो वहाँ जाएगा तो परमानेंट काम के लिए पूरा प्लानिंग हो चुका है, हो जाएगा। बिकॉज परमानेंट काम छोड़ के तो इसमें आपका परमानेंट कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हम लोग का इसी तरह से मेंटेन करना भी मुश्किल है। जितना हिल कटिंग करेंगे आप तो कितना कर सकते हैं। सो परमानेंट सोल्यूशन एरोशन नीचे से प्रोटेक्शन वर्क करना ही है, वही परमानेंट सोल्यूशन है। उसी के लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट से ये किया है एंड एनएचपीसी को भी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करके एनएचपीसी भी उसी के लिए सेपरेट उन लोगों का भी कुछ सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए बना रहा है अभी। सो ऑल एजेंट्स आर इन्वॉल्व, इरकान भी हाथ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। सो एवरीबडी मिलके कर रहा है, बट स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कंटिन्यूअस अपडेट में है बिकॉज डिपार्टमेंट सेक्रेटरी मैडम पर्सनली इज मॉनिटरिंग बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। बिकॉज सी हरसेल्फ हैज विजिटेड टू टाइम, दो बार खुद आके मैडम ने पूरा एंटायर स्ट्रेच परिदर्शन करके गई है। प्रैक्टिकली हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि इसका सोल्यूशन नहीं होगा। हम लोग इसी जितना भी अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, 717 ये तो आएगा, 717 ये विल बी NH, 717 विल बी एन अल्टरनेटिव, डेफिनेटली अल्टरनेटिव NH10। सो उसके अलावा NH10 का ही डेफिनेटली कुछ परमानेंट सोल्यूशन होगा बिकॉज होना ही चाहिए, बिकॉज स्टिल इट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट। आपका सिक्किम जाने के लिए व कलिम्पोंग आने के लिए दैट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट, उसका जरूरत ही है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। सो उसी को लेके काम होगा। सो टेक्निकली ना बोलने का कुछ नहीं है बिकॉज इट हैज टू बी टेकन अप बाय द राइट एजेंसी एंड राइट वे। और ऑलरेडी इसी के लिए पूरा डिटेल्ड एक टेक्निकली फीजिबल सॉल्यूशन बना के प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, देखते हैं उसी का। उसके अलावा भी डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं ना, एनी इमरजेंसी केस हम लोग अल्टरनेट रास्ता रखना पड़ेगा। 717 ए का तो हो रहा है, पनबू रास्ता का भी आप लोग जानते हैं, रिसेंटली इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी। पनबू रास्ता भी एक क्रिटिकल अभी लिंक रोड है। सो पनबू रास्ता भी अभी पीडब्ल्यूडी का मेंटेनेंस में आएगा तब। सो पीडब्ल्यूडी और अच्छा से मे बी कुछ वाइडनिंग करके मेंटेन कर सकता है, उसी का भी प्लान चल रहा है। जीटीए ने पनबू रास्ता के अलावा भी 7-8 रास्ता पीडब्ल्यूडी को रिसेंटली हैंड ओवर किया फॉर बेटर मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। सो ऐसे हम लोग को प्लानिंग चल रहा है रास्ता लेके, हम लोग पतश्री स्कीम्स लेके, बिकॉज हम लोग का पतश्री 1-2 में कलिम्पोंग में मोट 3 काम था, 3 ही रास्ता था। तब हम लोग पतश्री 3 में रेकमेंड करके पीएनआरडी डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट करके मंत्री साहब भी तब आए थे, उसके बाद सेक्रेटरी सर का भी पर्सनल मीटिंग करा के 15 स्कीम्स अभी चल रहा है। उसके अलावा भी हम लोग बना के रख रहा है। सो एडिशनल पतश्री में भी हम लोग कवर करेंगे, आरआईडीएफ स्कीम में कवर कर रहा है। सिर्फ पगाड़ में रास्ता का इतना इंपॉर्टेंट है। सो पीआरआई बॉडीज का प्लानिंग से शुरू करके हम लोगों का कंप्लीट नज़रदारी, किधर किधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कलवर डेवलप करना, छोटा रास्ता डेवलप करना, उसी को लेके मेन रास्ता में कनेक्ट करना, उसी को लिंक करके फाइनली NH का या डिस्ट्रिक्ट व स्टेट हाईवे में कनेक्ट करना, इसका पूरा काम चल रहा है। तो मेन प्रॉब्लम हम लोगों का चैलेंज हो गया कि NH10 का ये इसी कारण में हम लोगों का इंटरनल रास्ता में भी इतना डैमेज हो गया। हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, बट हम लोगों का फोकस रास्ता पूरा रोड नेटवर्क डेवलप करने के लिए, बिकॉज टूरिज्म के लिए हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं। सो तब तक ये रास्ता हम लोग ठीक नहीं करेंगे, टूरिज्म डेवलपमेंट नहीं होगा, इसको हम लोग को पता है। सो ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करके हम लोग कर रहे हैं। अदरवाइज कृष्णग्राम एरिया में एज सच कुछ नीचे एक्वीफर नहीं है, हम लोग भी वो भी इट वॉज इनिशियल कन्फ्यूजन, इनिशियली हम लोग का 2 सप्ताह हम लोग का इतना कन्फ्यूजन था कृष्णग्राम एरिया में क्यों सब्सिडेंस हो रहा है। वो तो इट्स नॉट ए ट्रेडिशनल सब्सिडेंट जोन। उसके बाद पता चला कि वो दूर में, इतना पानी तो उतना दूर में था, फिर भी पानी उधर जमा होने के कारण लूज सॉइल होके उधर से खींच रहा था। देन नाउ वी आर ओवरऑल एक प्रोटेक्शन वर्क, नदी से भी प्रोटेक्शन वर्क करके उस जगह को स्टेबलाइज करना। इसलिए अभी SH12 उसी पोर्शन, स्टेट हाईवे 12 में उसी पोर्शन में हैवी व्हीकल जाना भी बंद है, वो भी हम लोगों का रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर में है। पीडब्ल्यूडी उसके मेरा ये कवर नहीं था, मेरे पीडब्ल्यूडी और एमओआरटीएच का जॉइंट विजिट हुआ था उन लोगों ने, बिकॉज इस बार एमओआरटीएच का रिप्रेजेंटेटिव भी आके प्रॉपरली देख रहे थे, बट बाहर का कोई टीम का मेरे पास कवर नहीं है, ऑफिशियल कवर नहीं है। मेजर ट्रिगर हुआ GLOF, आप लोग भी पता है, बिकॉज मैं GLOF से ही देख रहा हूँ NH को, बिकॉज NH मैं 10-15 दिन देखा, GLOF के आगे मैं 10-15 दिन बाद 2-3 सप्ताह मैंने देखा, तब वाटर भी इतना क्लियर था, आप लोग पता ना वाटर इतना क्लियर था, मड सेडिमेंट्स नहीं थे, और हम लोगों का वल्नरेबल्स पॉइंट्स हम लोग तब आइडेंटिफाई कर रहे थे, बिकॉज मैं पहले लास्ट 27th सितंबर, इफ आई एम करेक्ट 27th या 22nd सितंबर
एक रोड बेंच निकल गया तब लास्ट जीएल ऑफ के आगे 22 सितंबर में आई एफ एम करेक्ट। सो तब हम लोग असेस कर रहे थे, उसके आगे पीछे हम लोगों का हार्डली 2-3 वल्नरेबल पॉइंट्स हम लोग देख रहे थे, उसी को लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे ठीक है एसी का कुछ प्रोटेक्शन करना है। तब एन एच पी सी के साथ भी एक स्पेशल मीटिंग भी हुआ कैसे उन लोग रिजर्वर एरिया में और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसी का एक मीटिंग भी हुआ। बट सडनली आफ्टर जी एल ओ एफ इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया, नया 23 न्यू स्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड हम लोगों का। सो इट इज सडन जंप 23, मतलब 2-3 से लेके 23 न्यू स्पेस, दैट इज पार्ट प्योरली बिकॉज ऑफ डैम कोलैप्स इन चुंगतांग एंड पर्टिकुलरली पानी कंटिन्यूस आ रहा है। अभी दो चीज़ हो गया, पानी पूजा एक्टिविटीज हम लोग जो बोल रहे हैं, तो प्री पूजा पूजा के लिए हम लोग अभी इस बार ऑनलाइन परमिशन के लिए हम लोग एक पोर्टल खुला है, उसी को लेके जितना BSKs को भी हम लोग एक्टिवेट किया सो दैट ऑनलाइन अप्लीकेशन में किसी का दिक्कत ना हो। जितना जगह में BSK है हम लोग का 19 जगह में BSK है एक्सेप्ट BDO ऑफिसर्स, 19 GPs में है ओवरऑल एंड डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट DM ऑफिस में म्यूनसिपालिटी में भी है, जिधर किधर किधर BSK बांग्ला सहायता केंद्र है उधर फ्री में इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन का भी सहयोगिता होगा। पूजा परमिशन लेके लास्ट टाइम 72 रजिस्टर्ड एंड परमिटेड थे, इस बार ज़्यादा अभी हो सकता है। हम लोग उसी को लेके क्या क्या इश्यू था उसी को डिटेल एक आलोचना सभा भी हुआ एंड पहले बार हम लोग जो ऑनलाइन में करा रहा है इसलिए ऑल स्टेक होल्डर्स को बुला के हम लोग ने एक्सप्लेनेशन भी दिया। सो बहुत अच्छा से हो रहा है, अभी तक 35-40 पूजा का परमिशन ऑनलाइन में आ चुका है, बाकी हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा और एक खबर है इसी को लेके, पूजा को लेके आप लोग जानते हैं एक सारस सम्मान पुरस्कार होता है। सो जितना बेस्ट पूजा और बेस्ट पंडल और बेस्ट कमिटी और तो वो जो थीम होगा इसी के ऊपर 4 अलग अलग थीम से इसका पूजा का ये पुरस्कार होगा, उसी को एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल होगा AGA बंगला वेबसाइट, वो जो रेगुलरली वही होता है ऑनलाइन से आप लोग खुद डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो DACO ऑफिस में आप लोग जोगाजोग करने में फ़ोन में भी कर सकते हैं। उन लोग सपोज दूर में कोई है गुरुबतान में है, उन लोग उधर से सीधा इधर DACO ऑफिस में आने का ज़रूरत नहीं है, उन लोग लोकल BDO ऑफिस से जोगाजोग करके DACO ऑफिस में फ़ोन में जोगाजोग करने में उन लोग ऑनलाइन में सब व्यवस्था करके एप्लीकेशन ऑनलाइन में बेच के मोबाइल में व्हाट्सएप में बेच के वा उसी से फिल्ड इन एप्लीकेशन लेके कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिलअप करके जमा देने का लास्ट डेट है 30th सितंबर। सो उसी का इन्फॉर्मेशन कल तक डिटेल मिलेगा, सो DSON से पूरा पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए उन लोग देंगे। तो जितना पूजा बंडल्स है रजिस्टर्ड पूजा बंडल्स है उन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बेस्ट पूजा पूजो के लिए बेस्ट पंडल के लिए और बेस्ट आइडल के लिए प्रतिमा के लिए और फोर्थ है बेस्ट अवेयरनेस के लिए, क्या अवेयरनेस थीम है। सो इसमें जिलावारी प्रत्येक जिला में 3-3 करके हो सकता है, सपोज बेस्ट पूजा के लिए 3 बेस्ट पूजा होगा वो ओवरऑल पूजा के लिए देखेंगे और पर्टिकुलरली पंडल का स्पेसिफिक पंडल का कुछ डेकोरेशन के लिए भी वो भी तीन है, 3 बेस्ट होगा और 3 होगा बेस्ट आइडल के लिए 3 होगा। उसी के पहले वाला का 50,000 है और सेकंड 40,000 है और 30,000 है और 10,000 है, सॉरी 20,000 और 10,000 लास्ट वन का। तो सचेतनता के लिए जो बेस्ट 3 हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसी का 10,000 का प्रति होगा। तो इसका एप्लीकेशन के लिए हम लोग और भी जानकारी दे देंगे, DSO ऑफिस से सेपरेटली होगा, माइकिंग होगा जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगा। बोल रहा हूँ बिकॉज कलिम्पोंग हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट का जरूरत ही बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये यूनिट होने के बाद मैं खुद भी जाके देख रहा था बहुत सारा लोग आगे, इवन मेरे पास भी आगे 2-3 रिक्वेस्ट था इमीडिएट शिफ्टिंग के लिए, पब्लिक का रिक्वेस्ट था बिकॉज गाड़ी का इतना भाड़ा देना था, बहुत सारा इश्यूज थे डायलिसिस के लिए, एक पेशेंट एक एल्डरली पेशेंट बाय एक मल्टीपल इश्यूज है उनका हेल्थ इश्यूज है उन्हीं को लेके सिलीगुड़ी तक जाना है फर्दर जाना है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सो डायलिसिस यूनिट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो रहा था बट मेनली डायलिसिस यूनिट का एक प्रॉब्लम हो रहा था उधर रेगुलर सप्लाई लाइन्स में अभी रिपेयर चल रहा है। अभी आप देखा हुआ 2-3 दिन आगे वहाँ लास्ट वीक में एक वीडियो भी आ रहा था कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पानी लीकेज हो रहा करके, बट दैट इज नॉट अ लीकेज, इट्स हम लोग उसके बाद बोल के उन लोगों का एक बोर्ड भी लगाने के लिए बोला, तो काम चल रहा था बिकॉज ये आगे से जो प्लान किया वो काम उस काम चल रहा है उसी की वजह से कुछ सप्लाई लाइन्स का डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसी को लेके भी प्रॉब्लम था। बट बीच में 2-3 दिन डेलो लेक से जो सप्लाई हो रहा था म्यूनसिपालिटी के उसी का भी कुछ बीच में एक रिपेयर हो रहा था, ये सब 2-3 चीज़ मिल के एक सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया। अभी कल तक ये मेरा कवर है कल तक वो एड्रेस हो चुका है सप्लाई का, ओवरऑल सप्लाई का डेलो से।
तो म्यूनसिपालिटी का भी सप्लाई ठीक होगा अश्योर कर रहे थे, उसको हम लोग भी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज डायलिसिस यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायलिसिस यूनिट से जितना पेशेंट्स फैसिलिटेट हो रहा है उसी को तो हम लोग रोकना नहीं चाह रहे हैं। तो वी वांट टू रन द सर्विस कम्प्लीटली एंड दिस इज वेरी मच नीडेड फॉर पब्लिक। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का CMOH का भी नज़र क्लोजली है उसके ऊपर। और उसी के अलावा मैं एक दो दिन ऐड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज हॉनरेबल CM मैडम का निर्देश है फर्दर मीटिंग्स हुआ वो सेफ्टी के लिए, जो पर्टिकुलरली हम लोग शुरू किया हॉस्पिटल्स को लेके, बिकॉज सिंस हॉस्पिटल्स लेके प्रॉब्लम हो रहा था। सो देर इज 11 पॉइंट एजेंडा दिया है, क्या क्या चीज़ देखना है, सिक्योरिटी से लेके हॉस्पिटल में कंप्लेन था कि रात में सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं है, बट पुलिस का भी एक अभी यूनिट उधर खुला है, तो पुलिस का बेस कैंप है उधर, अभी पुलिस का कैंप आने के बाद और भी सेफ्टी बढ़ गया, और प्लस पैरेलली जो इतना सिक्योरिटी है उनको रीअरेंज करके प्रॉपरली प्लेस करने का भी काम चल रहा है। उसके अलावा जो भी सिक्योरिटी का CCTV एडिशनल आएगा उसी का भी काम हो रहा है। इसके अलावा जितना नया चाहिए नया जगह आइडेंटिफाई किया, बिकॉज SP साहब ने खुद दो बार विजिट किया, मैं भी रेगुलरली विजिट कर रहा हूँ, हम लोग जाके वल्नरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उधर CCTV का व्यवस्था बा कहीं जहाँ पे हम लोगों का प्रोटेक्शन वॉल का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं उसी का काम भी रेगुलर चल रहा है। इसका अप्रूवल भेज चुका है डिपार्टमेंट से, जल्दी से आएगा बिकॉज इस प्रायोरिटी फंडिंग में हो रहा है। इसके अलावा जनरली जितना रिमोट हॉस्पिटल्स RH हॉस्पिटल रिमोट हॉस्पिटल्स रामबी में इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू सब कुछ लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हो रहा है, बिकॉज वो 11 पॉइंट एजेंडा में सब इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई सब चेक करने का एक पॉइंट था। इसी को भी हम लोग लेके कंटिन्यूस कर रहे हैं, इनफैक्ट आज के भी एक मीटिंग है, एक DM ऑफिस में एक मीटिंग है, हम लोग का एक रेगुलर मीटिंग चलेगा ये हॉस्पिटल्स के बारे में। हॉस्पिटल्स के अलावा हम लोग जनरली एक रिक्वेस्ट आया था पब्लिक से और वेरियस एसोसिएशन से भी आ रहा था, सो पब्लिक वुमेन सेफ्टी के लिए इधर टाउन में कहीं जहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स ऐड करना है, सो इसलिए उन लोगों का फीडबैक से हम लोग ऑलरेडी एक असेस करके कहीं जहाँ पे हम लोग CCTV लगा रहा है, कहीं जहाँ पे लाइटिंग का व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा हम लोग पब्लिक को जनरली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे भी पब्लिक का कुछ दिक्कत हो रहा है उसका फीडबैक पुलिस को बोल दीजिए व डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जानकारी दे दीजिए, हम लोग उसी को लेके ओवरऑल एक सेफ सिचुएशन वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए सेफ एंड सिक्योर सिचुएशन के लिए हम लोग ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या कर सकते हैं उसी का भी कार्रवाई चल रहा है। जनरली इसके अलावा एक जनरल जानकारी है पंचायत बॉडीज़ का, अभी तो हम लोग का पंचायत का अभी अच्छा से काम चल रहा है, पंचायत का भी डेवलपमेंट गोल्स करके सेट करके वुमेन सेफ्टी चाइल्ड डेवलपमेंट, बिकॉज जो काम हो रहा है उसी का भी थीमेटिक काम हो रहा है, अभी थीमेटिक बेसिस में प्लानिंग भी उसी बेसिस में हो रहा है। सो लोकली भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे चुका है पंचायत इलाका में भी जो भी ऐसे कुछ वुमेन सेफ्टी चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड कुछ करना है तो उसी को लेके पंचायत का जनरली फिनेंस कमीशन का जो फंड होता है PRA बॉडी का बाकी कुछ फंड आता है उसी का प्लानिंग में भी ये थीमेटिक प्लानिंग भी हो रहा है। सो ये भी एक अच्छा खबर है। सो ओवरऑल एक फोकस करके करने में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज प्लस पैरेलली पुलिसिंग और बाकी सपोर्ट फ्रॉम चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बोलिए सोशल वेलफेयर यूनिट बोलिए वी आर ट्राइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग नॉट ओनली फॉर हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स के बियॉन्ड भी जो भी पब्लिक स्पेसेस है वर्किंग स्पेसेस है वुमेन एंड चाइल्ड चिल्ड्रन का जनरल एक सेफ्टी के लिए हम लोग करा रहे हैं। अभी देख रहे हैं तो अपराजिता करके एक सेल्फ डिफेंस कोर्स SP साहब ने शुरू किया वो चलेगा और भी कंटिन्यूस चलाने के लिए हम लोगों का रिक्वेस्ट है वो चलाएंगे। और पिंक पेट्रोल अभी चल रहा है सो वुमेन सेफ्टी के लिए टाउन में अभी पिंक पेट्रोल शुरू है वो SP साहब कोशिश कर रहा है कि वो तो रिमोट एरिया में भी लावा कहीं जहाँ पे गोरुबथा में भी एक्सपेंड करने के लिए भी कोशिश चल रहा है। उसके अलावा जनरल लीगल अवेयरनेस कैंप एक पूरा एंटायर टाउन एरिया में वल्नरेबल स्पॉट्स में हम लोग ने किए सो इसमें जॉइंटली भी काम हो रहा है। सो सब लीगल अवेयरनेस कैंप है तो SP साहब का उद्योग में इनिशिएट किया हम लोग भी ज्वाइन किया उसमें। सो इसी टाइप में बहुत सारा जॉइंट एक्टिविटीज़ हो रहा है, ऐसे नहीं है कि सेफ्टी सिक्योरिटी पूरा हम लोग पुलिस के ऊपर फेंकने में नहीं होगा, एवरीबडी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी स्टेक होल्डर्स को लेकर वुमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए जो करना है हम लोग उद्योग ले रहे हैं।